ये मेरे कटहल के कोफ्ते हैं, देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। इसे मैंने बहुत ही कम सामग्री जो घर में अवेलेबल है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो उस तरह से बनाई हुई है और बहुत ही टेस्टी, कम सामान में ज़्यादा टेस्ट। तो आइए सिखाते हैं। ये मैंने कटहल ले लिए, छोटी वाली जो आती है इसको बॉयल कर लिया। अब इसको हम ऐसे हाथों की सहायता से ऐसे इसको सारा पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं, अपने हाथों की सहायता से करना है खाली। ऐसे इसको ये देखिए, इसको ऐसे ज़्यादा नहीं पीसना है, रफली करना है खाली। अब इसमें हम मिक्सचर बनाएंगे, इसमें सारे हम अपने इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। ये मैंने प्याज को कट करके रखा हुआ है, हरा धनिया मिला लेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा जाता है। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया है, इसमें नमक स्वादानुसार डालिए, गरम मसाला पाउडर, ये हम खड़े मसाले का घर में ही बना लेते हैं तो उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे, अगर आप ज़्यादा तीखा खाती हो तो डाल दें, हमने हरी मिर्च पीस के डाली हुई है इसको हम। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, बेसन बाइंड के लिए चाहिए खाली। अब इसको मिक्स कर लेंगे, तैयार हो गया। अब इसके हम बॉल्स बना लेंगे और फिर उनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने बॉल्स बना के उनकी फ्राई कर पाए, आप छोटी भी बना सकते हैं जैसा आपको साइज पसंद हो। इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ध्यान रहे पक जाए तभी इनको पलटे। ये देखिए इनको अच्छे से चारों तरफ गोल्डन ब्राउन कर लेना है धीमी आंच में, जब ये पक जाए तो निकाल लें। अब ये देखिए हमारे अच्छे से भुन गए हैं, जितना ज़्यादा इतना भून लेंगे धीमी आंच में उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। जब इसमें हम पानी डाल देते हैं, मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला है क्योंकि अभी ये इसमें पकेंगे, लो फ्लेम पे इसको पकने देना। ये देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हो गए, इसको धनिया से गार्निश कर दीजिए। लग रहा है खूबसूरत और खाने में भी टेस्टी, गर्मा गर्म परोसे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको खूब सारा लाइक करें। थैंक यू।